जीते 64,000 से। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था जनता से, वचन दिए थे, उसके बाद में छल किया, धोखा दिया, धोखाधड़ी की, और इसलिए जनता ने भी धक्का दिया है जबरदस्त। और इसलिए एक बार धोखा खा सकती जनता, बार बार नहीं। और इसलिए अब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी। और कमलनाथ जी हमेशा अधिकारियों को चमकाते हैं, कर्मचारियों को चमकाते हैं। भाजपा बोले कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है, मैं सत्ता में आ रहा हूँ। कमलनाथ जी तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पीढ़ी भी सत्ता में नहीं आएगी। अब जनता की चक्की चलने वाली नवंबर में, वो इतना बारीक पीसेगी कि कांग्रेस का सफाया कर देगी। लेकिन सत्ता में आने के बाद में सारे वादे भूल गए। और जब सिंधिया जी और ये जो मंत्री थे सिंधिया जी के साथ, जिन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ी, इन्होंने जब उनसे कहा कैबिनेट में भी भाग जाके कि अपन ने जो वचन दिए वो पूरा करो, तो कमलनाथ जी ने क्या कहा मालूम आपको? बोले आज तक कांग्रेस ने कौन से वादे पूरे किए जो अब हम करेंगे। बोले ये तो जनता को वोट प्राप्त करने के लिए होते हैं, अब सत्ता आ गई है, खाओ पियो, हाथ माता, मजे मारो। तब मजे होते थे। सिंधिया ने कहा कि तुम मजे मारने के लिए आए होंगे, लेकिन हम नहीं, हम जनता से वादे किए वो पूरा करो, नहीं तो रोड पे आ जाऊंगा। उन्होंने कहा आ जाओ रोड पे, तो रोड पे आ गए। कांग्रेस को रोड पे ला दिया, कमलनाथ को अनाथ कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा दे के मंत्री पद छोड़ा है, विधायक पद छोड़ा है। उसके बाद में जनता के बीच में गए और जनता से आशीर्वाद लेकर आए, जो कांग्रेस में थे जब 5,000 से जीते तुलसी सिलावट, और भाजपा में आए तो 54,000 से जीते। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।